तो ऑन डिमांड ऑफ सीए इंटर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। 115 बीएससी रेड विद 115 जेसी एएमटी सेक्शन के साथ, जो इस बार एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन इस बार, बिकॉज इसके अंदर प्रैक्टिकली फील ये आएगा आपको भी जब मैं आपको रिविजन्स कराऊंगा इस वीडियो की। तो ज़रूर देखना, लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, आपको प्रॉपर प्रोविजन समझ में आएगा। मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिखवा के कोई क्वेश्चन तो नहीं सोल्व करवा सकता, बट येस ऑफ कोर्स आपको एक प्रोविजन्स मैं आपको डिस्कस करा दूंगा, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाएंगे और इस रिविजन्स वीडियो को बार बार देखने से आपको रिकॉल आ जाएगा। बार बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वैसे लिखवाया था कि किन स्टूडेंट्स को, सी स्टूडेंट को वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने उसके बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, 115 बीएससी सेक्शन जो अभी फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट हुई है, उसमें इन्होंने क्या कहा है, 115 बीएससी ये एप्लीकेबल होता है आपका इंडिविजुअल एचयूएफ। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को ये एप्लीकेबल है, जिसमें ये कहा गया है कि अभी जो स्लैब रेट हमारे बेसिक चलते हैं, जो कि आपके रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को जो लगते हैं अप टू 250,000 तक, तो कोई टैक्स नहीं है, 2 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 तक 20% और अब मोर देन 10 लाख 30%, तो उसको अमेंड किया है 115 बीएससी में। और 115 बीएससी सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि आपका रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों को एप्लीकेबल रहेगा, दैट इज़ रेजिडेंट इंडिविजुअल और द नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज द केस में भी। तो उस केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 115 बीएससी सेक्शन में कहा गया है कि जो 2.5 लाख से आपकी जो मतलब जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख से इंक्रीज़ की गई है, और जो टैक्स रेट है वो 5% से बढ़ा गया है। इट मींस दैट जो टैक्स पहले 10 लाख से ऊपर लगता था 30%, अब यहाँ पे 15 लाख से ऊपर 30% लगेगा। तो स्लैब रेट 115 बीएससी में क्या कहती है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 से 15 तक 25%, और 15 लाख से ऊपर 30% तक की टैक्स लगाई गई है। तो ये स्लैब रेट आपको बताई है 115 बीएससी सेक्शन ने। अब इस सेक्शन को अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, दैट इज रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, अगर कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट अगर इस सेक्शन को ऑप्ट करता है, तो उसको बहुत सारे सेक्शन में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसको मैंने अरेंज कराया है इस तरह से, जैसे आपको रिविजन करा रहा हूं मैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन, जो लीव ट्रेवल कंसेशन है, जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसको। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 क्लोज ए, दैट इज़ एचआरए की, इसको क्या करनी पड़ेगी, एचआरए की एग्जेम्पशन जो मिलती है वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। 10 सबसेक्शन 14 के अंदर जितने भी उसको अलाउंस मिलते हैं, उसमें 4 अलाउंस छोड़ करके सारे अलाउंस उसको एग्जेम्प्ट जो होते हैं 10-14 के अंदर, वो उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बट 4 एक्सेप्शन के साथ। 4 एक्सेप्शन मतलब ये 4 अलाउंस उसको मिल जाएंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस, राइट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 की बात करते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 में जो आपके एम पी एम एल ए के अलाउंस एग्जेम्प्ट होते थे, वो उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 के अंदर, जो माइनर की इनकम 1500 रुपये तक की आपकी एग्जेम्प्ट होती है, जो क्लब होती थी मतलब पेरेंट्स के हाथ में 1500 रुपये तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है माइनर की, वो उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसको जो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयज़ पे करता है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ अगर उसको 10AA में जो SEZ में एग्जेम्पशन मिलती है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर उसके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो जो 2 लाख रुपये का डिडक्शन आपको मिलता है अगर आप लोन लेते हैं बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्वायर या फिर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए प्रॉपर्टी को, उसमें 2 लाख रुपये तक की आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, तो 30,000 रुपये का मिलता था, तो वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर उसका लेट आउट या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उसका अगर उस लेट आउट प्रॉपर्टी में लॉसेज है तो वो उस लॉस को किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं करा सकता। इसके अलावा फैमिली पेंशन 57 के अंदर जो उसको डिडक्शन मिलती है वो उसको सेक्रीफाइस करके चलनी पड़ेगी, राइट है। इसके साथ साथ जो स्पेसिफाइड सेक्शन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी इसका एक समअप किया है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसको, सेक्शन 32(1)(2)(a) का एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता था वो उसको नहीं मिल पाएगा 32(1)(2)(a). और इसके साथ साथ आपको 33AB है, जो टी कॉफ़ी रबर वाले बिजनेस होते हैं उसके अंदर वो डिडक्शन नहीं ले पाएगा। इसके अलावा
32 2AA, यानी कि जो आपका मिलता है किसके अंदर, अगर आप इंडियन कंपनी को जो कि अप्रूव्ड है, जो एंगेज है R&D बिजनेस में, अगर उसको कंट्रीब्यूशन करते हो, दैट इज डोनेशन देते हो, साइंटिफिक रिसर्च, वो उसका डिडक्शंस नहीं ले पाएगा। इसके अलावा आपको जो 35 की डिडक्शंस होती है, 35 1 2 1 2A और 1 3, जो कि आपको सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या फिर आपको डोनेशन देते हो उसके लिए, तो उसको डिडक्शंस लूज करनी पड़ेगी, वो भी उसकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगा उसको। इसके अलावा आपको मिलती है डिडक्शंस किसके अंदर, 35CCC, याद रखना 35CCD ये इंडियन कंपनी को एप्लीकेबल है, 35CCC जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑल SSC को एप्लीकेबल है, तो इसीलिए ऑल SSC को एप्लीकेबल है, तो 35CCC कहता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, उसके अंदर एग्जेम्पशन थी, वो नहीं मिल पाएगी इसको 35CCC की। इसके अलावा उसको क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी सेक्शंस हैं इससे रिलेटेड अगर उसके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, इससे रिलेटेड जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा सकता, वो लैप्सेस हो जाएंगे, बट उसमें एक एक्सेप्शन है, टोटल डेप्रिसिएशन में जो उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन में जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, उस ईयर में ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और जिस ईयर में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा और उसकी ओपनिंग WDV में उसको ऐड करा दिया जाएगा। अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने के साथ 115 जो आपका JC AMT का सेक्शन है वो एप्लीकेबल इसको नहीं होगा और इससे क्या रिजल्ट निकलेंगे, AMT के क्रेडिट लैप्स ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या उसको नुकसान होगा, उसको ये नुकसान भी रहेगा कि जो उसके एक तरह से क्या है रिबेट है, रिबेट 87A का अगर कहो तो रिबेट 87 का उसको नुकसान नहीं होगा, उसको सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, बट रिबेट 87 उसकी बेनिफिट मिल जाएगी, राइट है, 87A की रिबेट बिल्कुल सेम मिलेगी उसको, अप टू 500,000 रुपये तक की इनकम रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसके अलावा उसको क्या लूज़ करना पड़ेगा, इसके अलावा उसको इस सेक्शन के अंदर अगर ये एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई ने अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करा है तो अगले साल ये ऑप्शन को क्या करेगा, इस अगले साल ये ऑप्शन को विड्रॉल कर सकता है। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को दिया गया है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं और आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस केस में ये ऑप्शन आपको मैंडेटरी अगले साल भी फॉलो करना पड़ेगा जब तक आप इसका बिजनेस डिसकंटिन्यू ना हो जाए, यानी कि आप एक ही केस में बिजनेस इस ऑप्शन को विड्रॉल कर सकते हैं जब तक आपका इस बिजनेस डिसकंटिन्यू ना हो जाए, राइट। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयज ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो अपने एम्प्लॉयर को फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS इसको इंटीमेट करके चलना पड़ेगा, राइट है, इंटीमेट करके चलना पड़ेगा। सपोज करो अगर एम्प्लॉयज ने इंटीमेट भी कर दिया और ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद इंटीमेट कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS, तो एम्प्लॉयर तो इसी सेक्शन के हिसाब से TDS काटेगा, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन और बनता है कि जब वो फाइल करने जाएगा अपनी रिटर्न सैलरीड एम्प्लॉयज़, तो उस एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न वो ऑप्शन है उसके पास विड्रॉल करने का, यानी कि उस टाइम पे वो विड्रॉल कर सकता है ऑप्शन को डिफरेंट, वो मतलब ही में टेक द डिफरेंट ऑप्शंस, राइट। इसके अलावा जब हम ये सारी सैक्रिफाइसेस कर देते हैं, राइट, सरचार्ज उसका बिल्कुल उसी तरह से लगता है जैसे टोटल इनकम पे लगता है, 50,00,000 से ऊपर आपका 10%, 1 करोड़ रुपये तक, 1 करोड़ से ऊपर 15%, 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से ऊपर 25%, 25 करोड़ से 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से ऊपर 37%, ये सरचार्ज उसको लगता रहेगा। अब जब यहाँ पे 115 BAC सेक्शन में इतनी सैक्रिफाइस को करना पड़ेगा तो आपको ये प्रोविजन ध्यान रखते हुए उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी, राइट है। अब ये टैक्स लायबिलिटी एज पर सेक्शन 115 BAC आ जाएगा। अब आपको AMT पे जाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में आपको AMT में जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिखे कि भैया 35AD या फिर आपको 10AA वाला डिडक्शन दिख जाए कि ये पर्सन 10AA वाला है, 35AD का डिडक्शन ले रहा है, तो उस केस में समझ जाना है सेक्शन 115 JC की तरफ इशारा कर रहा है, दैट इज AMT इज एप्लीकेबल, राइट। तो यहां पे टैक्स लायबिलिटी एज पर AMT का टैक्स रेट बताइए आपको 18.5% लगता है, एडजस्टेड टोटल इनकम पे लगेगा। तो जैसे आपका टैक्स लायबिलिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ द नॉर्मल प्रोविजन 115 BAC सेक्शन के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको जो टोटल इनकम आई है आपकी यहाँ पे एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, उस टोटल इनकम को आपको बेस बनाना है AMT के हिसाब से एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए। तो उसको बेस बना करके आपको जो डिडक्शन 35AD या 10AA में ली थी उसको आप ऐड बैक करा दें, क्योंकि आपकी डिडक्शंस विड्रॉल कर ली जाएंगी जब आप AMT के हिसाब से टैक्स पे करते हैं, राइट। उसके अलावा जब आप उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, अपनी ऐड कर देंगे 35AD
35 AD और 10AA की डिडक्शन, लेकिन 35 AD की अगर आप डिडक्शन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो विदड्रॉल करते हो तो उसका प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन हम क्लेम जरूर करते हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल इनकम के अंदर 35 AD या 10AA वाला डिडक्शन एड बैक करना है, उसका प्रोपोर्शनेट 35 AD का कैपेक्स का डिडक्शन डेप्रिसिएशन आपको प्रोपोर्शनेट माइनस करना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड टोटल इनकम। जैसे ही आपका एडजस्टेड टोटल इनकम मिलेगा आपको 18.5% उस पर लगवा देना है। अगर सरचार्ज वही अगर आपकी टोटल इनकम क्रॉस कर रही है, सरचार्ज की जो एक लिमिट होती है उससे क्रॉस कर रही है तो सरचार्ज को भी अप्लाई कराना है। तो 18.5% की टैक्स लाइबिलिटी में सरचार्ज को सेस को लोड करवा के अगर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो उसको लगा दे, टैक्स लाइबिलिटी एज पर द AMT आ जाएगी 115JC। अब जो टैक्स लाइबिलिटी एज पर द सेक्शन 115BAC आया, सेक्शन 115JC के हिसाब से जो भी दोनों में हायर रहेगी टैक्स लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के लिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी वो मानी जाएगी। होप आपको ये सेक्शन के साथ जो मैंने कोरिलेट किया है, इसको लिंक किया है सेक्शन के साथ, होप इतना आपको समझ में आया होगा। मैं जहाँ तक अपना बेटर दे सकता था, जहाँ तक मैं अपना बेस्ट दे सकता था, तो मैंने आपको दिया है। बट एज़ फार एज़ द एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आपको इसको लगातार सुनना है। अगर आप इसको प्रॉपरली सुनते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको सिंपल लिख के दूँ, आपको इस प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन जो 115BAC के प्रोविजन सेक्शन में आपको बताए हैं, इस सेक्शन के अंदर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सिंपल क्वेश्चन को उठा सकते हैं, आप ICAI के वेबसाइट पर जाकर के भी अमेंडमेंट्स उठा करके 115BAC के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक जरूर करना, शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स अ लॉट।